हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनय और आप लोग देख रहे हो विनय टेक। तो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ प्राइवेट बैंक का फिक्स डिपॉजिट रेट के बारे में फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2023। तो रिसेंटली प्राइवेट बैंकों ने भी अपना एफडी रेट जो है वो चेंज किया है अप्रैल के मंथ में। तो क्या है नया फिक्स डिपॉजिट रेट, मैं आप लोगों को फुल डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा और आप लोगों को पता चल जाएगा प्राइवेट बैंकों का फिक्स डिपॉजिट रेट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को नॉर्मल सिटीजन का इंटरेस्ट रेट के बारे में बताने जा रहा हूँ, फिर मैं आप लोगों को सीनियर सिटीजन का इंटरेस्ट रेट यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बैंक नेम, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर का मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि 4th ईयर का जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है एफडी। 3rd ईयर, 4th ईयर और 5th ईयर जो है ऑलमोस्ट सेम ही रहता है इंटरेस्ट रेट मोस्ट ऑफ द बैंक का, ठीक है। तो इसलिए मैं ये वाला कॉलम ऐड नहीं किया हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एचडीएफसी बैंक 1 ईयर का जो है 6.60, 2 ईयर का 7%, 3 ईयर का 7% और 5 ईयर का 7%। ICICI बैंक का जो है 1 ईयर का 6.70, 2 ईयर का 7.10, 3 ईयर का 7% और 5 ईयर का 7%। एक्सिस बैंक का 1 ईयर का जो है 6.80, 2 ईयर का 7.20, 3 ईयर का 7% और 5 ईयर का 7%। कोटक बैंक 1 ईयर का जो है 7%, 2 ईयर का जो है 7.20, 3 ईयर का 6.50 और 5 ईयर का 6.20। इंडसइंड बैंक 1 ईयर का जो है 7.50, 2 ईयर का 7.75, 3 ईयर का 7.75, 5 ईयर का 7.25। बंधन बैंक 1 ईयर का जो है 7.25, 2 ईयर का 7.25, 3 ईयर का 7.25 और 5 ईयर का 5.85। IDFC बैंक 1 ईयर का जो है 6.75, 2 ईयर का 7.75, 3 ईयर का 7%, 5 ईयर का 7%। RBL बैंक 1 ईयर का जो है 7%, 2 ईयर का 7%, 3 ईयर का 7% और 5 ईयर का भी 7% यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। IDBI बैंक 1 ईयर का जो है 6.75, 2 ईयर का 6.75, 3 ईयर का 6.50 और 5 ईयर का 6.50। येस बैंक 1 ईयर का जो है 7.25, 2 ईयर का 7.50, 3 ईयर का 7.50 और 5 ईयर का 10%। कर्नाटका बैंक 1 ईयर का जो है 10%, 2 ईयर का 10% और 3 ईयर का 6.50 और 5 ईयर का 6.50। फेडरल बैंक 1 ईयर का जो है 6.80, 2 ईयर का 7.25, 3 ईयर का 6.60 और 5 ईयर का 6.60 यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 1 ईयर में आप लोग को हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो है इंडसइंड बैंक में 7.50, ठीक है। फिर उससे नीचे आप लोग देख सकते हो येस बैंक है, फिर आप लोग का कर्नाटका बैंक है, कोटक बैंक है, ठीक है। और 2 ईयर के लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 7.75 अगेन इंडसइंड बैंक। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 7% HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक आप लोग को अच्छा खासा दे रहा है, ठीक है। फिर येस बैंक भी आप लोग को दे रहा है और IDFC बैंक। और 3 ईयर में भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 7.75% इंडसइंड बैंक दे रहा है हाईएस्ट, और उसी तरह तीनों टॉप नॉच बैंक जो है आप लोग को 7% दे रहा है। फिर येस बैंक 7.50 दे रहा है, ठीक है। और 5 ईयर के लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो टॉप नॉच बैंक है 7% दे रहा है, ठीक है। और इंडसइंड बैंक 7.25 अगेन हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। IDFC बैंक 7%, RBL बैंक 7% आप लोग को दे रहा है, ठीक है। तो ये था नॉर्मल सीजन का इंटरेस्ट रेट के बारे में। मैं अभी आप लोग को बताने जा रहा हूँ सीनियर सीजन का इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सीनियर सीजन का इंटरेस्ट रेट, बैंक नेम 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर, ठीक है। मैंने यहाँ पे 4 ईयर का कॉलम इसलिए नहीं ऐड किया हुआ है क्योंकि ऑलमोस्ट सेम ही इंटरेस्ट रेट रहता है 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर का, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो HDFC में 1 ईयर का जो है 7.10, 2 ईयर का 7.50, 3 ईयर का 7.50 और 5 ईयर का 7.50 आप लोग को मिल जाएगा। और सीनियर सिटीजन रेट जो है ये एप्लीकेबल है फॉर 60 ईयर्स और ग्रेटर देन 60 ईयर्स, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ICICI बैंक 1 ईयर का जो है 7.20, 2 ईयर का 7.60, 3 ईयर का 7.50 और 5 ईयर का 7.50। एक्सिस बैंक का जो है 1 ईयर का 7.55, 2 ईयर का 7.90, 3 ईयर का 7.75 और 5 ईयर का 7.75। कोटक बैंक का 1 ईयर का जो है 7.50, 2 ईयर का 7.50, 3 ईयर का 6.75 और 5 ईयर का 6.70। इंडसइंड बैंक 1 ईयर का जो है 7.50, 2 ईयर का 8.25, 3 ईयर का 8.25 और 5 ईयर का 7.75। बंधन बैंक का 1 ईयर का जो है 7.75%, 2 ईयर का 7.75%, 3 ईयर का 7.75% और 5 ईयर का 6.60%। IDFC बैंक 1 ईयर का जो है 7.25, 2 ईयर का 8.25, 3 ईयर का 7.50 और 5 ईयर का 7.50। RBL बैंक 1 ईयर का जो है 7.50, 2 ईयर का 7.50, 3 ईयर का 7.50 और 5 ईयर का 7.50। IDBI बैंक 1 ईयर का जो है 7.25, 2 ईयर का 7.25, 3 ईयर का 7% और 5 ईयर का 10%। येस बैंक 1 ईयर का जो है 7.75%, 2 ईयर का 8%, 3 ईयर का 8% और 5 ईयर का 7.75%। कर्नाटका बैंक 1 ईयर का जो है 7.40, 2 ईयर का 7.40, 3 ईयर का 6.90 और 5 ईयर का 6.90। फेडरल बैंक 1 ईयर का जो है 7.30, 2 ईयर का 7.75%, 3 ईयर का 7.10 और 5 ईयर का 7.10 यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। तो 1 ईयर के लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट बंधन बैंक
के द्वारा देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। फिर उसी तरह यस बैंक, और अगर उससे नीचे आप लोग जाना चाहते हो एक्सिस बैंक, फिर कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक, IDFC बैंक, IDBI बैंक, फेडरल बैंक, ये सब आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। टू ईयर में आप लोग देख सकते हो 8.25 मिल रहा है, ठीक है, इंडसइंड बैंक और IDFC बैंक के द्वारा। और यस बैंक जो है 8% दे रहा है, एक्सिस बैंक जो है 7.90, 7.60 और 7.50। थ्री ईयर के लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 8.25 अगेन इंडसइंड बैंक के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, और यस बैंक 8%, और उसी तरह एक्सिस बैंक 7.75, बंधन बैंक, फिर यहाँ पे RBL बैंक, ये सब आप लोग को अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। और फाइव ईयर के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लोग सोच रहे हो, तो जो टॉप नॉच प्राइवेट बैंक है, ये आप लोग को अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और इंडसइंड बैंक भी 7.75%, फिर यस बैंक भी 7.75% मिल दे रहा है, ठीक है। उसी तरह RBL बैंक 7.50 दे रहा है, ठीक है। तो ये था सीनियर सिटीजन का इंटरेस्ट रेट के बारे में, जो कि अप्रैल का मंथ में ये एप्लीकेबल है, ठीक है, प्राइवेट बैंकों का। तो ये था प्राइवेट बैंकों का FD रेट फॉर बोथ नॉर्मल सिटीजन और सीनियर सिटीजन के लिए, ठीक है। तो अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल है, प्लीज टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिना टेक। थैंक यू।